Hey, welcome to Beach Fashion. आज हम बनाने जा रहे हैं केप विथ शोल्डर प्लीट्स, जिसके लिए हमें चाहिए मिनिमम 2 मीटर्स का फैब्रिक या फिर कोई ओल्ड दुपट्टा, मैचिंग थ्रेड, निडल, टेलरिंग चौक, इंच टेप, सीजर्स एंड टेलरिंग पिंस। सबसे पहले हम अपने केप की लेंथ मेजर करेंगे, जो कि ज़्यादातर सभी के केस में 14 या 15 इंचेस रहेगी। अब ये जो सैल्वेज है फैब्रिक की, उस साइड हमने मेजरमेंट नहीं लेनी है, हमने जो अनफिनिश्ड साइड है फैब्रिक की वहाँ पे मेजरमेंट लेनी है। तो 14 इंचेस प्लस एक या दो इंच ज़्यादा, दैट इज 16 इंचेस, ताकि हम हेमलाइन फोल्ड कर सकें। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। मैं एक जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे खींच के कट कर पा रही हूँ या फाड़ पा रही हूँ। आप प्लीज़ पूरे फैब्रिक पे मेजर करके निशान लगा के तभी कट कीजिएगा। अब हमने अपना फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये वाली साइड जो अनफिनिश्ड है, ये दोनों साइड्स को साथ में जोड़ के हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अब क्योंकि मैं जॉर्जेट फैब्रिक यूज कर रही हूँ, इसके धागे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मैं इसको डबल फोल्ड करके उस पर स्टिच कर रही हूँ, ताकि इसके धागे बाहर ना निकले। अब ये मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें एक फोल्ड और करेंगे। यहाँ पे हमें अपना सेंटर पॉइंट मार्क करना है। आप चाहें तो किसी चौक से मार्क कर सकते हैं, या मेरी तरह सीजर से ऐसे कट करके एक नॉच बना सकते हैं। सी, यहाँ पे हमने एक ऐसे एंगल कट कर लिया है। अब हमें पता है हमारे केप का सेंटर कहाँ है। अब इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड 10 इंचेस ऊपर और नीचे दोनों के फैब्रिक पे, एंड राइट साइड भी 10 इंचेस ऊपर नीचे दोनों फैब्रिक पे हम मार्क करेंगे। अब ये 10 इंचेस टू 10 इंचेस के मार्क में हमने प्लीट्स बनानी है। प्लीज मेक श्योर आप अपनी सैल्वेज को ऐसे फोल्ड कर लें, ताकि आपको एक नीट लुक मिले। आप चाहें तो इस 10 इंचेस के मार्क में एक ही तरफ जाती हुई प्लीट्स बना सकते हैं। आई मीन सारी की सारी प्लीट्स का फेस या तो लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड है, या फिर आप 10 इंचेस के मार्क में 5 इंचेस की प्लीट्स लेफ्ट साइड फेसिंग बना सकते हैं, और 5 इंचेस की प्लीट्स जो राइट साइड में फैब्रिक बचेगा वो राइट साइड फेसिंग बना सकते हैं। ईदर वे प्लीट्स बनाते हुए या तो आप उसे पिन से सिक्योर करते जाएं, या तो आप मेरी तरह साथ साथ उस पर एक स्टिच देते जाएं। आप चाहें तो इसको थोड़ा कच्चा टाका भी दे सकते हैं, और बाद में मशीन से भी इसको स्टिच करके सिक्योर कर सकते हैं। अब हमने दोनों साइड अपनी प्लीट्स बना ली हैं। अब ये जो बची हुई आपकी सैल्वेज है, इसको भी हम फोल्ड करके या तो स्टिच करेंगे या तो निडल से हेमिंग कर देंगे। ऐसे ही हम अपना बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। एंड योर केप इज रेडी। मैंने अपने केप को अपनी ड्रेस के साथ शोल्डर्स की तरफ से थोड़ा सा स्टिच कर लिया है, तभी मैं ये केप अपनी ड्रेस पे पहन पाई हूँ। बिकॉज मुझे इसका नेकलाइन आगे और पीछे से थोड़ा सा हैंगिंग लुक में चाहिए। आप चाहें तो अपने किसी भी डिजायर टॉप पे या ड्रेस पे इसको सेफ्टी पिंस की हेल्प से भी पहन सकते हैं, एल्स ये शोल्डर से गिरता रहेगा। आप हमारे और भी फैशन डीआईवाई एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देख सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो अस एट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहाँ पे मैं अपने डीआईवाई फैशन की सारी फोटोग्राफ्स आपसे शेयर करती रहती हूँ। अगर आपके पास कोई भी फैशन डीआईवाई रिक्वेस्ट है मेरे लिए, देन प्लीज कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।